तो एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट चैनल इंडिया फंटेसी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम आपके लिए वुमेन्स मैच लेकर आए हैं जो मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। शर्त यह है कि पूरा वीडियो आपको वॉच करना पड़ेगा। फाइनली आज बताने वाले हैं कि इस मैच में क्या हो सकता है। इंग्लैंड वुमेन्स वर्सेज न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में पहला मुकाबला, ओडीआई फॉर्मेट का पहला मुकाबला यह खेला जाने वाला है। तो चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आगे बढ़ता हूं, उससे पहले दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और आज के इस वीडियो में भी मैंने गिवे रखा हुआ है, तीन तीन गिवे रखा हुआ है। पहला गिवे सुपर कमेंट का, दूसरा गिवे फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट का, और तीसरा गिवे एक सवाल इस वीडियो में मैं पूछने वाला हूं जिसका आपको जवाब देना है। तो जाओ फटाफट से कमेंट करना स्टार्ट कर दो, और लाइक करना कंपलसरी है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और पूरा वीडियो देखना भाई अगर ग्रैंडली को क्रैक करना चाहते हो। देखो इस वीडियो में मैं क्या-क्या कवर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, रिवर्स साइड ग्राउंड चेस्टर के अंदर यह मैच खेला जाने वाला है। अब यह फर्स्ट ओडीआई मैच है 26 जून को, मतलब के 6:30 पे यह मैच खेला जाने वाला है। अब इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड यह मैच होने वाला है। अब बात करने वीडियो में मैं आपको क्या-क्या बताने वाला हूं, तो कॉमन प्लेयर्स एनालिसिस करने वाला हूं, उसके बाद ट्रंप प्लेयर बताने वाला हूं, मस्ट हैव पिक बताने वाला हूं, उसके बाद और भी बहुत सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको कवर करके देने वाला हूं। तो फटाफट से भाई, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। लाखों लोग इस चैनल का फायदा उठा रहे हैं तो आपको पीछे नहीं रहना है, और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लो ताकि जब भी मैं कोई फ्रेश वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले उस वीडियो को आप देख पाओ। और साथ ही में सबसे पहले आपको ज्वाइन करना चाहिए टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि यहां पर सब कुछ मैं फ्री में देता हूं, सारा अपडेट यहां पर मैं फ्री में करता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में टॉप पे पिन किया हुआ मिल जाएगा, जहां बड़े आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों काम जा करके कर लो। अब हम जान लेते हैं पिच कंडीशन, पिच रिपोर्ट के बारे में। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं, ये पिच बल्लेबाजों के मुफीद है, लेकिन 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 मेंस मैचों के लिए, मतलब के मेंस मैचों के लिए, वुमेन्स मैचों के लिए यहां पर बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना, आगे और भी बहुत सारा कुछ आपको पता चलने वाला है पिच से रिलेटेड। देखो वेन्यू स्टेट्स की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर यहां पर न्यूजीलैंड का है 237 रन, ठीक है। वहीं पर लोएस्ट स्कोर इंग्लैंड वुमेन्स का है 98 रन। अब आगे बढ़ते हैं और भी फैक्ट जान लेते हैं। देखो इस ग्राउंड पे ना टोटल मैचेस जो खेले गए, सिर्फ 3 मैचेस वुमेन्स के खेले गए। बैटिंग फर्स्ट करने वाले ने 2 मैचेस को विन किया, वहीं बैटिंग सेकंड करने वाले ने 1 मैच को विन किया। और एवरेज स्कोर पे नजर डालोगे तो 168 का है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर सवाल ये आता है कि भाई अभी तो 3 मैच हुए हैं, तो फर्स्ट बैटिंग करने वाले 2 बार जीता है और सेकंड बैटिंग करने वाले एक बार जीता है, तो यहां पर टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग करना पसंद करेगी या फिर बॉलिंग? तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट बॉलिंग करना पसंद करेगी। अब आप बोलोगे कि भाई फर्स्ट बॉलिंग करना क्यों पसंद करेगी, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करने वाले ने 2 बार मैचेस को विन किया है। तो मैं आपको उसका सारा फैक्ट आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो बिलो स्कोर की बात करें तो 150 से नीचे 2 बार बना है, और 150 और 170 के बीच में 1 बार बना है, मतलब कि तीनों बार बहुत लो स्कोरिंग मैच देखने को आपको मिला है। अब देखो यहां पर बात कर ले वेदर रिपोर्ट की, तो 14.9 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान है, वहीं पर 91% ह्यूमिडिटी है, और यहां पर बारिश के चांस है भाई, 67% यहां पर बारिश बूदा बूदी होने के चांसेस हैं। अब कैसे टीम बनाओगे, किस कंडीशन में, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। यहां पर पेसर कमाल कर सकते हैं या फिर स्पिनर, वो भी आपको आगे सब कुछ पता चलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर पिछले 3 मैचों का लेखा जोखा, जो इस ग्राउंड पे पिछला 3 मैच हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो 9 सितंबर 2023 को एक मैच हुआ था श्रीलंका वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स के बाद, मतलब बीच में श्रीलंका वुमेन्स फर्स्ट बैटिंग करते हुए 106 रन का टारगेट दिया, 30 ओवर में ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड वुमेन्स यहां पर 107 रन बना करके इस मैच को 18 ओवर में चेज कर लिया था, ठीक है ना। तो यहां चेज करते हुए मैच को जीता गया था। देखो पेसर को यहां पर 6 विकेट मिले और स्पिनर को यहां पर 7 विकेट मिले, ठीक है ना। और ये मतलब के हाल फिलहाल का ही मैच है, ठीक है ना, 2023 का है, वो भी 9 सितंबर को। अब ये जो 2 मैच है ना भाई, एक तो 1996 का है और दूसरा 2002 का है, तो इस पर हम नहीं जाते हैं चूंकि ये बहुत पुराना मैच है, और वैसे भी अभी खेलने का जो है ना तरीका बदल चुका है खिलाड़ियों का, ठीक है ना। ये चीज तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको मतलब टीम को क्रिएट करना है। अब देखो यहां पर ज्यादातर विकेट्स मतलब स्पिनर को मिलते हैं, ज्यादातर विकेट 7 विकेट स्पिनर को मिले हैं। वहीं पे आप इधर भी देखोगे ना तो स्पिनर को विकेट्स मिल रहे हैं, देख सकते हो। हाँ, हालांकि पहले पेसर ज्यादातर विकेट्स लेके जा रहे थे, लेकिन यहां पर पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट्स मिलते हैं। चलो
अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पेसर वर्सेज स्पिनर को जानने से पहले हम चलते हैं प्लेइंग 11 पे और हम डेप्थ एनालिसिस करते हैं किस चीज़ का, प्लेयर मतलब के कॉमन प्लेयर का। तो देखो यहाँ पर कॉमन प्लेयर कौन कौन कॉमन प्लेयर है यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बात करें इंग्लैंड की तरफ से एच नाइट कॉमन प्लेयर, उसके बाद साइबर ब्रंट कॉमन प्लेयर, अब बात कर लो यहाँ पे तो एली कैप्सी कॉमन प्लेयर, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ सूफी एलेक्सटोन कॉमन प्लेयर। ये चार ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लोग अपनी टीम में ज़्यादातर भर भर के लेके जा रहे हैं। अब इधर से न्यूजीलैंड की तरफ से बात कर लें तो न्यूजीलैंड की तरफ से देखेंगे तो अमेला केयर ये कॉमन प्लेयर आपको नजर आएंगे, सोफी डिवाइन ये कॉमन प्लेयर, उसके बाद यहाँ पर सारा जो है ना कम सिलेक्शन वाले खिलाड़ी है, सिर्फ दो खिलाड़ी इधर से और चार खिलाड़ी इधर से। तो क्या ये छः खिलाड़ी, ये छः का छः खिलाड़ी चलने वाले हैं ये भी बताऊंगा। उसके बाद जिन इनको कम लोग लेके जा रहे हैं जैसे टॉप ऑर्डर में खेलने वाली जैसे टैमी बी माउंट है, उसके बाद माया बाउचर है, क्या ये चलने वाली नहीं है। उसके बाद इधर सुजी बैट्स है, उसके बाद जी प्लेमर है। देखो बैट्स भी ये भी कॉमन प्लेयर में ही है, ठीक है ना, ये इधर से तीन है, ठीक है ना। तो अब हम इसके ऊपर डेप्थ एनालिसिस करेंगे, आगे सब कुछ आपको क्लियर समझ में आने वाला है। तो चलो हम बढ़ते हैं और जहाँ से हम आए थे वहीं पर चलते हैं। देखो यहाँ पर हम बात कर लें पेसर वर्सेज स्पिनर, तो देखो पेसर वर्सेज स्पिनर में आपको देखने को मिलेगा स्पिनर को टोटल 11 विकेट्स मिले हैं पिछले तीन मैचों में। तो दो मैच तो मैंने आपको बता ही दिया कि दो मैच वो बहुत पुराना है, ठीक है ना। वहीं पे पेसर को यहाँ पर टोटल 32 विकेट्स मिले हैं, पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो पेसर को ज़्यादातर विकेट्स मिले हैं। अब देखो पेसर को यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 16 विकेट्स और सेकेंड इनिंग में भी 16, दोनों इनिंग्स में पेसर अच्छे खासे विकेट्स लेकर यहाँ पर जाते हैं। वहीं स्पिनर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 5 और सेकेंड इनिंग में 6, यहाँ भी स्पिनर को दोनों इनिंग्स के लिए क्वालिटी स्पिनर को आपको लेके जाना है, किसको लेके जाना है, लेकिन यहाँ पर स्पिनर भी धमाल कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और सब कुछ हम जान लेते हैं। देखो यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो लास्ट 10 मैचों की हम बात करेंगे तो पिछले 10 मैचों में इंग्लैंड ने 7 मैचेस को विन किया, वहीं पे न्यूजीलैंड ने सिर्फ 3 मैचेस को विन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंग्लैंड का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है भाई, इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। अब बात करें तो लास्ट 5 मैच की जो इंग्लैंड खेल के आ रही है उनमें 4 मैच को विन करके आ रही है और 1 मैच लूज करके आ रही है। वहीं पर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 3 मैच को लूज करके आ रही है, 2 मैचेस को विन करके आ रही है। इसके अकॉर्डिंग भी देखोगे तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ जान लेते हैं। देखो यहाँ पर विनिंग परसेंटेज की बात करें, विनिंग चांस ज्यादा किसका है, तो देखो ऑब्वियसली यहां पर इंग्लैंड का 70% चांस इंग्लैंड का जीतने का है, वहीं पे 30% ही चांस न्यूजीलैंड का है। तो आप ज़्यादातर टीम ना इंग्लैंड के फेवर में बनाना, कैसे बनाना है सब कुछ आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट मस्ट है पिक आपको बताने वाला हूँ। अब 4 खिलाड़ी आपको इंग्लैंड की तरफ से आप फिक्स कर सकते हो, उसके बाद 3 खिलाड़ी आपको मैं देने वाला हूँ न्यूजीलैंड की तरफ से। अब देखो यहाँ पे सोफी एलेक्सटोन को आप लेके जा सकते हो एज ए फिक्स प्लेयर, उसके बाद एमी जॉन्स को भी रख सकते हो अपनी टीम में, उसके बाद हेदर नाइट को रख सकते हो और एलिसे कैप्सी को। ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। अब देखो इस स्मॉल लीग में सिर्फ एमी जॉन्स के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, मतलब छोड़ के जा सकते हो, अदरवाइज ग्रैंड लीग में ये 4 आप लेके जा सकते हो। बात करें सुजी बैट्स को आप लेके जा सकते हो न्यूजीलैंड की तरफ से, अमेला केयर को, उसके बाद सूफी डिवाइन को। ये 3 ऐसे प्लेयर हैं ना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये 7 फिक्स प्लेयर आप अपनी टीम में कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं सीबीसी का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके इर्द गिर्द ही सीबीसी घूमने वाला है। अब ये 5 कौन से खिलाड़ी, जैसे कि मैं आप देख रहे हो ना लगातार सीबीसी का जो कंटेंडर मैं बताता हूँ ना कहीं वहीं सीबीसी निकलता है। कल भी मैंने रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया था और ट्रैविस हेड को मैंने वाइस कैप्टन बनाया था, मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से बाकी उससे पहले भी आपने देखा होगा टेलीग्राम पे अभी भी जाकर देख सकते हो टीम पड़ी हुई है, कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल सेम मेरा था। उससे पहले की बात करें तो यूएसए और इंग्लैंड का जो मैच हुआ था उसमें भी मैंने सी जॉर्डन को कैप्टन बनाया था, आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, और जोस बटलर को मैंने वाइस कैप्टन बनाया था और ठीक वैसा ही हुआ, ठीक है ना। तो अगर सही आपको रिजल्ट चाहिए ना भाई तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो पूरा वीडियो जरूर से देख के जाना। देखो यहाँ पर सोफी एक्लेस्टोन आपको सीबीसी बना के जाना चाहिए, उसके बाद नेट साइबर बरन और यहाँ पर हिटर नाइट, ठीक है, उसके बाद अमेला केयर और यहाँ पर सोफी डेवान, ये 5 ऐसे प्लेयर हैं यहीं से आपको सीबीसी निकलता हुआ दिख सकता है। अब देखो कैसे किसको लेके जाना है
वो मैं आगे आपको सब कुछ एक एक करके क्लियर करने वाला हूं। बाकी ये पांच ऐसे खिलाड़ी हैं, आप जितनी भी टीम बनाते हो, चाहे तीन बनाओ चार बनाओ, जितनी भी टीम बनाते हो उसके अकॉर्डिंग ना इसको रोटेट करना सीबीसी, ठीक है ना। मुझे लगता है कि इन्हीं पांचों में से सीबीसी आपको निकलता हुआ दिख सकता है, एक आइडिया मैं आपको दे दिया हूं। अब देखो ये बेस्ट प्लेइंग 11 इंग्लैंड का रहने वाला है, आप यहां पे पढ़ भी सकते हो। उसके बाद हम बात कर लें तो ये न्यूजीलैंड का प्लेइंग 11 बेस्ट प्लेइंग 11 होने वाला है। अब यहां पे हम आ जाते हैं डेप्थ एनालिसिस करते हैं, अब शुरू हो जाते हैं यहां से भाई, क्योंकि डेप्थ एनालिसिस करना जरूरी है। अब देखो विकेट कीपर सेक्शन में यहां पर एमी जॉन्स इंग्लैंड की तरफ से खेलती हुई दिखेंगे। अब देखो 27, 37, 50, 48 लगातार अच्छा कर रही है, लगातार अच्छा कर रही है, तो लेके जाना बनता है भाई। वहीं पे बात करें इसाबेला गेज 47, 18, 9, उसके बाद यहां पे मैडी ग्रीन 38, 9, 7, 4 इस तरह से। तो मुझे लगता है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा एक से दो का कॉम्बिनेशन रख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ड्रीम टीम में एक ही खिलाड़ी यहां पे नजर आ सकता है। बाकी आप ग्रैंड लीग में ज्यादा टीम बनाते हो तो दो भी रख सकते हो। मेरा फेवरेट एमी जॉन्स, ये मेरा फेवरेट रहने वाली है, ठीक है ना। बाकी मैंने जो आपको बोला है कि स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, मैंने जो बोला है वो सीबीसी के लिए बोला है, प्लेइंग 11 से दूर नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी ट्रस्टेड खिलाड़ी है आप लेके जा सकते हो। अब यहां पे मैडी ग्रीन को ट्राई करना इसको तो बिल्कुल भी नहीं करना, अगर दो लेके जाते हो तो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते, आगे यहां पर हम देख लेते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो बैटिंग सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे माया भाउचर खेलती हुई दिखेंगी, देखो 34, 17, 34, 26, 33 लगातार अच्छा कर रही हैं। अब बात करें चार मैच खेली हुई है, तीसरे नंबर में 7.5 का एवरेज है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कट मार देना, ठीक है। डेनिले वेट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, 44, 11, 4 इस तरह से। अब यहाँ पे मैच 13 खेली हुई, 230 रन बना करके यहाँ पर दो विकेट मिली हुई है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद टाइमा बेमाउंट की बात करें 11, 33, 41, 25 इस तरह से। यहाँ पे 13 मैच खेली हुई, 684 रन बनाकर 52 का एवरेज है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है बेमाउंट, ठीक है ना। उसके बाद हेडर नाइट की बात करें 12, 29, 62, 31, 37 लगातार अच्छा कर रही हैं। यहाँ पे 15 मैच में 521 रन बनाकर के 6 विकेट लेके गई, ये बॉलिंग भी करती है भाई, एक दो ओवर ना बॉलिंग भी आपको करती हुई दिख सकती है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपके लिए दो खिलाड़ी यहाँ पे टी बी माउंट, उसके बाद हिटर नाइट, ये दो खिलाड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। अब आ जाओ यहाँ पे देखो सुजी बेट्स, उसके बाद यहाँ पे ब्रुकेन हैलिडे और यहाँ पे जी प्लेमर, ये तीन खिलाड़ी आपको यहाँ पे खेलती हुई नजर आएंगी न्यूजीलैंड की तरफ से। अब सबसे ट्रस्टेड प्लेयर जो यहाँ पर है वो एस बेट्स है, देख सकते हो 6 रन 1 विकेट, 28 रन 2 विकेट, क्योंकि बॉलिंग भी करती है, बॉलिंग से भी बैकअप दे सकती है और टॉप ऑर्डर में खेलती भी है, बैटिंग भी करती है, इंपॉर्टेंट रहेगा लेके जाना, ठीक है ना। उसके बाद बात करें यहाँ पर ब्रुकेन हैलिडे की, तो देखो यहाँ पर 57, 6, 37 इस तरह से, मैच 9 खेली हुई, 221 रन बना करके यहाँ पर 3 विकेट है, तो एवरेज भी ठीक ठाक है, लेकिन आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना ज़्यादा टीम बनाते हो तो। जी प्लेमर की बात करें टॉप में खेलती है लेकिन अभी उस टच में नहीं है, तो यहाँ से कितने खिलाड़ी आपको लेके जाना चाहिए, तो फाइनली मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ से आपको 2 से 3 का कॉम्बिनेशन रखना है, 3 रखते हो ना तो टी बी माउंट को, हिटर नाइट को, उसके बाद एस बेट्स को रख सकते हो, ये 3 खिलाड़ी लेके जा सकते हो, बाकी 2 भी आप रख सकते हो। यहाँ पे बी माउंट को ड्रॉप करके आप हिटर और एस बेट्स के साथ जा सकते हो, या फिर एस बेट्स को ड्रॉप करके एच नाइट और बी माउंट को ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पर आप ये भी ट्राई कर सकते हो जैसे कि एच नाइट को ड्रॉप करके एस बेट्स और बी माउंट को, मतलब रोटेट करना है, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। अब मेरा फेवरेट भी यही है टीम बी माउंट, उसके बाद हेटर नाइट और सुजी बैट्स, ये फेवरेट 3 खिलाड़ी है जो मेरे फेवरेट हैं। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे ऑल राउंड सेक्शन देख लेते हैं। देखो ऑल राउंड सेक्शन में इंग्लैंड की तरफ से 3 खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे। अब इन 3 खिलाड़ियों में चार्लोट डीन ये खेलती हुई दिखेंगी, 20 रन 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट लगातार विकेट ले रही है, और 6 मैच खेली हुई है हेड टू हेड में, 41 रन बना करके 12 विकेट ली हुई है, इंपॉर्टेंट रहेगा लेके जाना, फिक्स करके जाना भाई। नेट साइबर ब्रन इंपॉर्टेंट रहेगा लेके जाना, इंपॉर्टेंट बिल्कुल ले गया है। अलिसा कैप्सी यहाँ पर देखो 39 रन 44 रन, देखो अलिसा कैप्सी ओवर कभी कभी एक दो ओवर फेंकती है लेकिन बैटिंग से आपको पॉइंट दे सकती है। देखो 2 मैच खेली हुई है हेड टू हेड में और यहाँ पर रन 28 ही बनाई हुई है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी।
आप चाहो तो देखो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे अमेलिया केयर की बात करें, 31 रन 2 विकेट, 14 रन 1 विकेट इंपॉर्टेंट रहेगी, फिक्स करके जाना। सोफी डिवाइन की बात, 100 रन 2 विकेट इस तरह से पीछा जो है। अब देखो मैच 15 खेली हुई है, 384 रन बनाकर के यहाँ पर 11 विकेट लेके गई, ये भी इंपॉर्टेंट रह सकती है। अब कितने खिलाड़ी लेके जाना है यहाँ पर ना भाई, 3 से 4 खिलाड़ी आप रख सकते हो। अब मेरा फेवरेट कौन होने वाली है, तो नेट साइबर ब्रंट मेरा फेवरेट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लें तो सी डिन यहाँ पर मेरा फेवरेट रहने वाली है, 2 खिलाड़ी। उसके बाद अमेला केयर, ये 3 खिलाड़ी मेरा फेवरेट रहने वाली है, ठीक है। बाकी आप 4 खिलाड़ी भी लेके जा सकते हो जैसा मैंने बताया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बॉलिंग सेशन में चलते हैं। अब ये सेक्शन देखना ज़रूरी है भाई। देखो यहाँ पे फ्रांस जॉनस खेलती हुई देखेंगी, कहाँ से, इंग्लैंड की तरफ से। 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। देखो एक मैच में विकेट लेती है, दूसरे में नहीं लेती है। 2 मैच खेली हुई है हेड टू हेड में और विकेट्स कुछ भी नहीं मिले हैं, तो आप ड्रॉप करके जा सकते हो। सोफी एक्लेस्टोन को लेके जाना भाई, फिक्स करके जाना भाई। 12 मैच खेली हुई है, 17 विकेट से लेकर गई हुई है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद कैटी क्रॉस की बात करें, एक मैच में विकेट लेती है, दूसरे में नहीं लेती है। अब देखो यहाँ पर 8 मैच खेली हुई है, 13 विकेट लेके गई हुई है, तो कैट क्रॉस को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करना, सेकेंड अगर ड्रॉप भी करना तो सेकेंड इनिंग के लिए ड्रॉप करना। अब देखो यहाँ पे लॉरेन बेल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार विकेट ले रही है, यहाँ पर एक मैच खेली हुई है, विकेट लेस रही हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन विकेट से ले सकती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बात करें एच रॉ की, तो 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट इस तरह से है। 9 मैच खेली हुई है, 10 विकेट लेके गई है, कहीं ना कहीं एक आध विकेट लेके दे सकती है। जेस केयर की बात करें, लगातार विकेट ले रही है, वहीं पे बात करें 6 मैच खेली हुई है, 8 विकेट लेके गई है, विकेट ले सकती है। इरन कार्सन की बात करें, कट कर मार के जाना। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितनी खिलाड़ी लेके जो, मेरा सबसे पहले मैं फेवरेट बता दूँ, मेरा फेवरेट जो रहने वाली है सोफी एक्लेस्टोन, ये फेवरेट रहने वाली है। कैट क्रॉस मेरा फेवरेट रहने वाली है। उसके बाद देखो यहाँ पर लॉरेन बेल को भी लेके जा सकते हो, लॉरेन बेल भी इंपॉर्टेंट रह सकती है। अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है ना, फर्स्ट बॉलिंग करती है न्यूजीलैंड, तो तीनों को लेके जा सकते हो, लॉरेन बेल, उसके बाद कैट क्रॉस और यहाँ पे सोफी एक्लेस्टोन, ये तीनों को लेके जा सकते हो, ठीक है। इधर से आप लेके जा सकते हो किसको, तो इधर से जेस केयर को लेके जा सकते हो। तो मुझे लगता है कि ट्रस्टेड प्लेयर ये रहने वाली है जेस केयर, ठीक है ना। यहाँ पर 3 से 4 का कॉम्बिनेशन रखना, ज़्यादा मत रखना, 3 से 4 खिलाड़ी का कॉम्बिनेशन रखना, ठीक है ना। तो ये चलो मैंने आपको सब कुछ एक एक करके बता दिया। अब देखो यहाँ पर बात कर लें भाई ट्रंप प्लेयर का काम कौन कर सकती हैं, ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे ट्रंप प्लेयर का कम लोग, ट्रंप प्लेयर किसको कहते हैं, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम हो और वो ठीक ठाक परफॉर्म करके दे दे, डीपी का हिस्सा बन के दिखा दे, तो टैमी बीमाउंट आपको ट्रंप प्लेयर बनती हुई दिख सकती हैं। वहीं पर बात करें डैनियल वाट, ये ट्रंप प्लेयर बनती हुई आपको दिख सकती हैं। तो ये 2 खिलाड़ी पर नज़र बना कर रखना। इधर से मैं बता दूं, जी प्लेमर ये ट्रंप प्लेयर का काम कर सकती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लें तो हन्ना रोवे ये ट्रंप प्लेयर का काम कर सकती हैं। ये 4 खिलाड़ी मैंने आपको ट्रंप प्लेयर बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आप ग्रैंड लीग को रोटेट कर सकते हो। अब देखो दोस्तों चलते चलाते रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी कर लो भाई, जल्दी कर लो, देरी किस बात की, मैं इतना आपको सपोर्ट करता हूं तो आपको भी तो करना चाहिए, जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। अब गिवे का सवाल भी पूछने वाला हूं। उसके बाद साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर सब कुछ मैं फ्री में देता हूँ, सारा अपडेट फ्री में करता हूँ, ठीक है ना। तो ये करना ज़रूरी है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बात कर लूँ गिवे का, तो गिवे का सवाल वही है, आज के मैच में कैप्टेंसी पारी कौन खेलेगी और उसके फैंटेसी पॉइंट्स कितने होंगे, उसका नाम बताना है और उसके फैंटेसी पॉइंट्स बताना है 5 के अंतर में, जैसे कि 80 पॉइंट्स से लेकर के 85 या फिर आप 90 से 95, इस तरह का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने हिसाब से कुछ भी रह सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक करके जाना बनता है भाई। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।